हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिलेशंस और रिलेशन बनाना, उसका डोमेन और रेंज फाइंड करना और उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था। उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा लोगों को। आज हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ाएंगे इस वीडियो में। बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माना समुच्चय बोर्ड पे हम लोग क्वेश्चन दिख रहा होगा कि माना समुच्चय ए पूर्ण संख्या ना सच दैट यस जीरो से बड़ा है बराबर बट लेस देन टू है, और सी जो है वो बिलोंग कर रहा है प्राकृतिक संख्या में सच दैट यस लेस देन थ्री। तो हमको बताना है कि तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी का मान होगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस पर बेस ऐसे रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में सेट दिए रहेंगे समुच्चय निर्माण विधि में जो है हमारा समुच्चय दिया रहेगा वैसे ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी या बी क्रॉस सी ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा कि उसका यूनियन बनाओ या इंटरसेक्शन बताओ, ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन ना। तो उस तरह का एक क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले हम, जो ये है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो ए इक्वल टू देखो पहले सेट ए को हम सभी से टू रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तभी हम ए क्रॉस बी निकाल पाएंगे और तभी हम ए क्रॉस सी निकाल पाएंगे, या कोई भी कार्टीन गुणनफल निकालना होगा तभी हम निकाल पाएंगे जब उसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलो यस क्या है प्राकृतिक संख्या में बिलोंग कर रहा है, यस कहां बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, यस स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स ये हमारा ए का फॉर्म है, उसको सॉल्व करोगे यस की वैल्यू है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं फॉर समुच्चय ए के लिए। समुच्चय ए के लिए पहले हम सॉल्व कर लेंगे उसको, कितना है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स जीरो। तो इसको देखो गुणनखंड विधि से जोड़ने घटाने कितना है गुणा करने का कितना है, या आप लोग क्लास एट से पढ़ रहे हैं क्लियर होगा ये। हम इसको डायरेक्ट कर दे रहे हैं एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो और अलग अलग करेंगे हमारा थ्री और आर एक्स माइनस थ्री टू इक्वल टू जीरो हमारा आ जाएगा यहां आ जाएगा एक्स इक्वल टू टू इट्स ओके। यहां पर देखो ए हमारा आ गया टू और थ्री, बी देखो क्या आएगा बी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है, यक्ष का है जीरो या जीरो से बड़ा है बराबर मतलब जीरो भी काउंट होगा और दो से छोटा है मतलब जीरो और वन ही होगा, और सी जो है प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है तीन से छोटा है मतलब एक और दो ही होगा। चलो बच्चों या आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, थोड़े समझने के लिए है कि कैसे हम ए से टू डिफाइन करेंगे ना। सोल्यूशन का पार्ट कितना हो गया, ये ए और बी आ गया हमारा। अब ए क्रॉस बी निकाल लेंगे पहले, ए क्रॉस बी तो ए क्रॉस बी बच्चों अपने मन से निकालो टू कामा जीरो टू कामा वन थ्री कामा जीरो और थ्री कामा वन इट्स ओके। और यहाँ बी क्रॉस ए क्रॉस सी निकाल लो क्योंकि हमको दोनों ही निकालना है, उसके बाद इंटरसेक्शन बताना है। ए का सी के साथ पार्टी गुणनफल टू कामा वन टू कामा टू थ्री कामा वन थ्री कामा टू इट्स ओके। ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी देखो दोनों का इंटरसेक्शन बताना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी ये देखो ये और ये कामन है, ये और ये कामन है,
और कुछ कॉमन है? नहीं है। थ्री कॉमा वन एंड टू कॉमा वन, अभी आगे पीछे भी हो सकता है, टू कॉमा वन या थ्री कॉमा वन, ऐसे करके लिख सकते हैं ना बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन में, इसलिए ये और आपका जो यूनिट टेस्ट है वो कुछ ऐसा ही होने वाला है, इसलिए क्वेश्चन यूनिट टेस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या उसके इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो करना कुछ नहीं है इसमें, ए इक्वल टू जो सेंटीमीटर फॉर्म है उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे रोटर फॉर्म में साल भर के, और बी का जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग सेट बना लेंगे, उसकी जो कंडीशन का सेट बना लेंगे, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद ए क्लास बी और ए क्लास सी निकाल के दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा हो जाएगा। यूनियन का था चार इसमें आठ हो जाते लेकिन दो जो है रिपीटिंग थे तो छह ही आर्डर पेयर होता, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो बच्चों तो ये क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या टाइप्स ऑफ रिलेशन? बच्चों टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन? बहुत ज्यादा डीप में नहीं है टॉपिक, इलेवन में बस इसको जानना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन को, ट्वेल्थ में भी ये टॉपिक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम हिंदी में कहते हैं स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। तो इसको देखते हैं, देखो यदि कोई संबंध ए कामा बी मिलान टू आर, या इसको हम कह सकते हैं ए कम ए मिलान टू ए टू बी, तब स्वतुल्य ये अपने जैसे अगर फाइव कामा फोर सपोज करो रिलेशन में है तो
तो 5/5 भी रेशन में होगा तभी वह समतुल्य होगा। बच्चों बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम सिमेट्री रिलेशन। किसकी? सिमेट्री मतलब सममित संबंध। सममित संबंध, सममित संबंध। सममित संबंध, सिमेट्री रिलेशन। कोई रिलेशन है ए कहा बी, कहा मिलान कर रहा है रिलेशन में, तो उसका उल्टा मतलब बी कहा ए उस रिलेशन में होना चाहिए, तभी वो क्या होगा? सममित होगा। कहने का मतलब तो ऐसे कोई आर रिलेशन दिया गया है 1/4, 3/7 और 7/a ऐसे दिया गया है और कहा जाए ये सममित है, तो सममित के लिए देखो क्या होना चाहिए। 1/4 है ना, जितने आर्डर के हैं सबको देखोगे 1/4 है, तो 4 अगर 1 होता इसमें तब इसका हो जाता, क्योंकि ए कामा बी, बी कामा ए, अभी कितना है 3/7 है, 7/3 होना चाहिए और ये 7/8 है, 8/7 होना चाहिए। बात समझ में आ गई बच्चों? मतलब कितने आगे प्लेयर होने चाहिए, ये हमारे से नहीं रहते हैं, ये होना चाहिए तभी क्या होगा, तभी वो सममित होगा, मतलब ऐसे होना चाहिए। अगर ऐसे रहेगा तभी क्या होगा, सममित होगा। तो देखो 1/4 है, 4/1 भी है, 3/7 है, 7/3 भी है, 7/8 है, तो 8/7 भी है। अगर एक भी आर्डर पेयर छूट जाता है जिसका रिवर्स नहीं दिया गया है तब वो सममित नहीं होगा। अगर एक भी आर्डर पेयर छूट जाता है कि उसका रिवर्स नहीं दिया गया है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है बट बी कामा ए बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू आर है, मतलब नहीं बिलोंग कर रहा, कोई ऐसा एक आर्डर पेयर छूट गया तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। बच्चों इसको ध्यान देना, इतना ही अभी सीखना है, बाकी क्लास 12th में है, इस सबका अच्छे से जो एनालिसिस करना है क्लास 12th में करोगे, और एनसीईआरटी में आपको ये दिया भी नहीं होगा, कहीं ये जानना थोड़ा जान लोगे तो ठीक रहेगा। तो अब हम बात करते हैं ट्रांसिटिव रिलेशन। ट्रांसिटिव रिलेशन संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध, ट्रांसिटिव रिलेशन। देखो बच्चों, यदि कोई रिलेशन ए कामा बी बिलोंग टू आर है और उसके साथ साथ बी कामा सी भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ट्रांसिटिव होने के लिए ए कामा सी आल्सो बिलोंग्स इन रिलेशन, मतलब ए कामा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में और बी कामा सी भी बिलोंग कर रहा है उस रिलेशन में, तब अगर ए कामा सी जो है बिलोंग करेगा रिलेशन में तब वो होगा हमारा ट्रांसिटिव रिलेशन। फॉर एग्जांपल ये देखो बच्चों, एग्जांपल के लिए देखो, जैसे 1/2 है, ये ए है, ये बी है, 2/7 है, और ये देखो उसके बाद 1/7 है, ऐसे ही 7/8 है और 1/8 है। देखो बच्चों क्या करेंगे, हर एक आर्डर पेयर को चेक करोगे, चाहे वो रिफ्लेक्सिव के लिए हो, चाहे वो सिमेट्रिक के लिए हो, चाहे वो ट्रांसिटिव के लिए हो, तीनों के लिए, मतलब चाहे वो स्वतुल्य के लिए हो, चाहे सममित के लिए, चाहे संक्रमक के लिए, जो चेक करोगे उसके जो भी संबंध चेक करोगे उसमें एक एक क्रमिक युग्म को चेक करोगे। देखो 1/2 है, इसका मतलब ए बी है, तो बी सी होना।
बाकी मान ले सी हो गया, बी देखो वही सी हो गया, तो अब ए सी होना चाहिए 17 है, देखो है ना ए। अब देखो यहां पर 17 है, ए भी है, अब इसको देख रहे हैं तो बी सी भी है, बी और सी भी है, तो 1 और 8 भी है, ये भी हो गया। चलो अब इसको देखते हैं, 27 है, 27 है ना, और 7 का 8 से है, लेकिन क्या देखो ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, क्या 2 का 8 से है पूरे रिलेशन में, कहीं पूरे रिलेशन में 2 का 8 से है, नहीं है, तो बात समझ में आ गई, 2 का 8 से अगर होता तब ये क्या होता, तब ये भी हो जाता, और ये मैंने चेक नहीं कर लिया। तो ऐसे एक एक ऑर्डर प्लेयर के लिए चेक करोगे बच्चों कि ए का बी से है और बी का सी से है, तो ए का सी से होना चाहिए तभी वो संक्रमण होगा। उसको जल्दी हम डिफाइन करने के लिए यही बोल देते हैं, ए कामा बी विराम शुरुआत है, और अगर इसको मैसेज लिख देते हैं और बी आर सी देन, कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी है, ए संबंधित है बी से, बी संबंधित है सी से, तो ए संबंधित होना चाहिए सी से, तभी वो क्या होगा संक्रमण होगा। तो बच्चों तीनों टाइप हो गए, और सुनो अब एक है तुल्यता संबंध, क्या तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, देखो बच्चों तुल्यता संबंध के लिए यदि कोई संबंध स्वतुल्य है, स्वतुल्य सममित तथा संक्रमक संबंध है तो वह तुल्यता संबंध होगा। देखो बच्चों इसको समझ लो, ऐसे कोई भी संबंध है, कोई भी रिलेशन अगर वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांसिटिव है, तीनों है, तभी वो तुल्यता होगा। और तीनों में से अगर कोई एक भी संबंध नहीं होता है, कोई एक भी संबंध ऐसा है जो नहीं है तीनों में से, तब वो क्या हो जाएगा तुल्यता संबंध नहीं होगा, उसको हम लोग इंग्लिश में इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। क्या इक्विवेलेंस रिलेशन, इट मींस इन एनी रिलेशन कंसिस्टिंग रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशन कंसिस्ट दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इट्स ओके। बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा, अब इसी में एक छोटा सा टॉपिक है, वो है इनवर्स ऑफ रिलेशन। क्या इनवर्स ऑफ रिलेशन, जैसे इनवर्स ऑफ रिलेशन है क्या, बहुत छोटा सा टॉपिक है कि उसका व्युत्क्रम या अनुक्रम कर लो, जैसे कोई रिलेशन आर है, जैसे ए कामा बी बिलोंग टू आर है ना, तो जो इनवर्स ऑफ रिलेशन होगा, इनवर्स ऑफ रिलेशन इसको हम आर पावर माइनस वन से भी नोट करते हैं, जैसे कोई रिलेशन है ए कामा बी बिलोंग टू आर सच है, कोई भी रिलेशन दिया गया है आगे, तो आर इक्वल टू मान लो ऐसे दिया गया है 4, 3, 7, 8, 9, 10 ऐसे कोई रिलेशन है, इसमें डोमेन क्या होगा 4, 7, 9 होगा, रेंज क्या होगा 3, 8, 10 होगा। तो आर इनवर्स की बात की जाएगी, ये हो जाएगा 3, 4,
फोर, एट कामा सेवन, टेन कामा नाइन, ये इसका आर इनवर्स हो जाएगा। इस संबंध का ये इनवर्स ऑफ रिलेशन है, जो संबंध दिया रहेगा उसका वो इनवर्स ऑफ रिलेशन है। मतलब जो डोमेन ऑफ आर होता है, जो डोमेन ऑफ आर होगा वो इसके लिए क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ आर इनवर्स हो जाएगा। और जो रेंज ऑफ आर है वो इसके लिए डोमेन हो जाएगा। जो इसके लिए डोमेन है रिलेशन के लिए वो इनवर्स रिलेशन के लिए रेंज हो जाएगा, और जो रिलेशन के लिए रेंज है वो आर इनवर्स के लिए डोमेन हो जाएगा। बच्चों रिलेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन पर डिस्कशन करेंगे। दैट्स ऑल। इस वीडियो को एकदम अच्छे से देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा।